फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये एंजाइम बनाना बताऊंगी, क्योंकि अगर हम पोट में अपनी खेती करते हैं फ्लावरिंग या फ्रूटिंग के लिए, तो हमें इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हमारी प्लांट्स को बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। तो अगर हम नेचुरल तरीके से पैथी से अगर हम खेती करते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और जो हमारे साउथ, हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उसमें जो ये एंजाइम बने होते हैं वो अपनी पानी की टैंकी और जो गटर होते हैं उनको सफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ नहीं करते। आप एंजाइम किसी भी तरह का एंजाइम बना सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो नेचुरल थेरेपी में विश्वास करते हैं वो इन एंजाइम्स को यूज़ करने लगे हैं। जैसे अपने हेयर की सफाई करनी है, हेयर धोने हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। अगर हमारी स्किन के लिए भी है, तो एक्ने की प्रॉब्लम है, झाइयों और झुर्रियों की प्रॉब्लम है, उससे भी उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है। क्या करना है, जैसे इसमें मैंने बनाया है ये नींबू मौसम्मी को लेके, इसमें मैंने ये गुड़, बिल्कुल पुराना, जितना पुराना गुड़ ले सकते हैं उतना पुराना गुड़ आप पंसारी के यहाँ से ले आएँ, और उसको आप पानी में एक दिन के लिए भिगो दें। ये मैंने भिगो के रखा हुआ है, ये दो दिन हो गए मुझे भिगो के रखे हुए। इसको आप बॉटल में भर लें, किसी भी चीज़ का। मेरे पास जो भी एंजाइम बने हुए मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एक एक चीज़ का एंजाइम बनाया हुआ है और मैं वैसे भी यूज़ करती हूँ। जैसे हम स्नान करते हैं उसके लिए भी अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे आंवले का, ये मेरे पास आंवले का एंजाइम बना हुआ है। आंवले को आप इतना भर लें, जैसे आप 200 ग्राम के करीब आंवला ले लें, सूखा आंवला, अगर आपके पास हरा आंवला नहीं है इस टाइम ये सूखा आंवला मिल जाएगा। सूखा आंवला लेके आप बोतल में भर लें और उसके बाद आप गुड़ वाला पानी, जेगर वाला पानी आप इसमें डाल दें, इतनी बोतल रख लें, तो आप देखेंगे कि वो तकरीबन एक मंथ के बाद उसमें गैसेस बननी शुरू हो जाएंगी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे गैसेस बनते हैं। अगर आप सिंपल पानी डालते हैं तो सिंपल पानी में आपकी गैसेस नहीं बनेगी। गुड़ में ऐसे तत्व होते हैं कि जो फर्मेंट होने के बाद वो गैसेस बनानी शुरू कर देते हैं उस चीज़ के साथ मिलके। मैं तकरीबन ज़्यादा मैं ये नींबू सिट्रिक वाला यूज़ करती हूँ। ये नींबू या मौसम्मी, माल्टा, जो भी है सिट्रिक, उसको मैं यूज़ करती हूँ। या फिर मैं यूज़ ज़्यादा बनाना खुश बनाती हूँ वो मेरे पास नीम की निम्बोली, उसका मैं ज़्यादा एंजाइम बना के खुश हूँ, और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे निकलते हैं। कि ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र दोनों का काम करता है। ये मैंने पुरानी सब्जियां जैसे मटर, आलू, अनार के छिलके, उसका एंजाइम बनाया हुआ है। ये आंवला पर, ये बनाना पील के भी मैंने एंजाइम बनाया हुआ है। ओनली पोटैटो, केले के भी एंजाइम बनाया हुआ है मेरा। क्या करना है कि आपने गुड़ डाल के उसको भिगो के आपने बोतल में भर लेना है, मैं आपको दिखाऊंगी। आप अगर एलोवेरा का एंजाइम बनाते हैं तो उसको आप नहाने में भी यूज़ कर सकते हैं और अपना टैंक साफ़ करने के लिए भी आप यूज़ करते हैं। इसी तरह आप नीम की निम्बोली है, उसको भी आप किसी भी यूज़ में, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये, वैसे मेरा ऑलरेडी ये बना हुआ है एलोवेरा का एंजाइम, पर मैं आपको अब नए सिरे से बना के दिखाती हूँ। आपने, सबसे बड़ी शर्त ये है कि आपने प्लास्टिक की बोतल लेनी है। प्लास्टिक की बोतल के बिना, अगर आप कांच की बोतल लेते हैं तो उसमें ये जो गैसेस बनती हैं तो वो बोतल आपकी फट जाएगी, धमाका जैसे होता है। जेगर ऐसी चीज़ है, गुड़ फर्मेंट होने के बाद, जैगली एक ऐसी चीज़ है, फर्मेंट होने के बाद वो गैसेस बनाता है। अगर आप सादे पानी में यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो आपको ये रिजल्ट नहीं देगा, पर जब आप गुड़ में भिगो देते हैं किसी भी चीज़ को तो वो गैसेस निकालेगा। मैं आपको इनकी गैसेस निकाल के दिखाऊंगी। आप एक मंथ के लिए इसको डाल के रख दें तो एलोवेरा मैंने डाल लिया है, तकरीबन आप
हाफ से थोड़ा सा कम एलोवेरा डाल के आप बोतल भर लें। उसके बाद आप ये गुड़ का घोल है उसको आप डाल दें। आप इतना गुड़ का पानी डाल के बॉटल को, सिर्फ आपने नेक तक नहीं डालना इसको, इतना इसकी गैसेस के लिए छोड़ना है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी सूख जाएगा। वैसे मैंने इसका ये डाला हुआ था, यहाँ तक डाला था, पर ये 2 मंथ्स हो गए हैं इसको डाले हुए। मेरी यहाँ पे डेट लिखी हुई है, ये 9 जुलाई मैंने इसको डाला है, 1 मंथ से ऊपर हो गया इसको। अब मैं इसकी गैसेस निकाल के दिखाऊँगी। और इसको आप बिल्कुल टाइट करके बंद कर दें और बिल्कुल छाया वाला 1 महीने के लिए आप लिख के रखते हैं तो आपको याद। आज 18 अगस्त है, 18 अगस्त, और इसकी मैंने डेट अगस्त 2019 मैंने लिख दिया। अब हम 1 महीने के बाद इसकी गैसेस निकालेंगे। अब मैं दूसरी जो ये मेरी बॉटल्स बनी हुई हैं उनकी मैं गैसेस निकाल के आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये काम करता है। आप देखेंगे बिल्कुल बहुत प्रेशर के साथ आवाज आएगी। ओनली 1 मंथ का ये रिजल्ट है कि आप ये देख रहे हैं कितनी गैसेस बनी हुई है। और ये हमारे पास पे कैसे नासर करेंगे। आप देख रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं। और वैसे मैंने इसकी थोड़ी सी गैसेस निकाल दी थी, तो ये मेरा नींबू वाला लेमन का जो एंजाइम बना है उसकी मैंने एक दिन गैस निकाल दी थी, बट फिर भी आप देख रहे हैं। और ये मेरा जो वेस्ट, मेरे पास जो वेस्ट कचरा जैसे मटर के छिलके, अनार के छिलके, उसका एग्जाम है। आप 1 मंथ के बाद, तकरीबन 1 मंथ के बाद इसकी गैसेस निकाल दें। और गैसेस निकालने के बाद आप इसको फिर 2 मंथ के लिए आप रख दें। और रखने के बाद 3 मंथ में ये बिल्कुल आपका एक दवाई की तरह यूज करने के लायक हो जाएगा। आपको मैं दिखा दूं, ये रहा ये नीम की निमोली वाला एंजाइम, ये लेमन का एंजाइम, और ये मेरे पास था एलोवेरा का एंजाइम, और बनाना और पोटैटो, इनमें सभी में ऐसी गैसेस बनी हुई हैं आपको मैंने दिखाया। अब आपने इसको यूज कैसे करना है, आपने एक 40 या 50 ग्राम बिल्कुल नाप के 40-50 ग्राम 1 लीटर में डाल के उसको आपने सभी प्लांट्स में अपने डाल देना है। जैसे आप एक बकेट में 10 लीटर पानी डालते हैं तो उसमें आप 200 ग्राम के करीब इसको, इसके लिक्विड को डाल दें और फिर आप अपने प्लांट में अप्लाई करें। अगर आपने इसको छिड़काव करना है, स्प्रे करना है अपने प्लांट्स की पत्तों की शाइनिंग के लिए, तो आप 1 ml बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, 1 ml या 2 ml के करीब आप लें और उसको 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रेयर की सहायता लें, ऐसे स्प्रेयर ले लें और स्प्रेयर से आप सारे प्लांट्स को अच्छी तरह से धो दें, ऊपर नीचे बिल्कुल अच्छी तरह से धो दें। ये एक ऐसा एंजाइम बना है जो ये नीम की निमोली का सबसे बेस्ट, मेरे को जो अच्छा लगता है वो सबसे बेस्ट नीम की निमोली का है और लेमन का। इसको आप अपने टैंक में भी यूज़ करें, पानी की टैंकी में भी यूज़ करें और नहाने में भी यूज़ करें और प्लांटिंग में भी यूज़ करें। इवन के कई लोग तो इसको अपने बर्तन साफ करने के लिए एंजाइम ऐसे बनाते हैं, उनको यूज़ करते हैं। हाँ, और ये अब मैं जाते जाते आपको दिखाती हूँ कि अगस्त का महीना है और मैंने मतलब अपने सर्दी के फ्रूट्स उगाने शुरू कर दिए, सब्जी की, सर्दी की सब्जी है वो मैं आपको आपके साथ के फर्स्ट वीक पे मैंने उगाना शुरू कर दिया था, पालक, सरसों का साग, क्योंकि अब आगे सर्दी आनी शुरू हो गई है
पालक, मेथी, सरसों का साग, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल 3 दिन की ग्रोथ है। और पालक की, ये मेरे घर के यूज के लिए पालक, और ये गुलदाउदी मैंने कटिंग से ग्रो की है, ये इसके अच्छे बड्स निकलने शुरू हो गए हैं, पर इनको मैं पिंच कर दूंगी। ये छोटे छोटे आप बड्स देख रहे हैं, तो इनको मैं पिंच कर दूंगी ताकि ये सर्दी के लिए मेरा फ्लावर पॉट गुलदाउदी के फूल ये इससे भर जाए। ये आप देखेंगे छोटे छोटे बड्स बनने शुरू हो गए हैं, पर ये अभी बड्स हमें चाहिए नहीं, तो इसकी पिंचिंग हो जाएगी। और ये पुदीना, ये पुदीने की बिल्कुल टहनियाँ सूख चुकी थी और अब इसने नई ग्रोथ शुरू कर दी है। पुदीने में पालक, मेथी, जो भी सर्दी की जो भी सब्जियां हैं उसमें आप मैं बार बार आपको बताती हूँ कि आप बिल्कुल काव डंग, डीकम्पोस्ट हो चुका काव डंग डालेंगे और पानी बहुत अच्छा देंगे। ये मत सोचें कि सर्दी है पानी नहीं देना, ये मिंट को और सरसों पालक को आप जितना ये काव डंग और पानी देंगे उतनी वो अच्छी ग्रोथ करेगा। ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पॉट में भिंडी लगी हुई थी, अब बिल्कुल पक गई है, और ये भिंडी ये मैं सीड के लिए तैयार कर रही हूँ। आपको मैं और भी दिखाती हूँ, मेरे कई पॉट में भिंडी सीड के लिए तैयार है। और इसके बाद फिर मैं इसकी पिंचिंग कर दूंगी, 3G कटिंग कर दूंगी, और इसके बाद फिर ये हमारी नए सिरे से गर्मी के लिए सब्जी तैयार होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से गवारा, ये गवारे की फली भी आप देख रहे हैं बिल्कुल पक चुकी है, और ये सीड के लिए तैयार है गवारा, और इसको भी मैं सीड के लिए कलेक्ट करूंगी। आप देख रहे हैं ये बैंगनी का प्लांट लगाया हुआ है मेरे यहाँ इसमें पोट में, और इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की हुई है, और मैं सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही यूज करती हूँ, उसका आप रिजल्ट देख रहे हैं। और यहाँ पे मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।